किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आइजक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने में कैपेबल थे। न्यूटन के ये लॉज फिजिक्स के एक बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड थे कि टाइम एब्सोल्यूट है। टाइम के एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि सभी ऑब्जर्वर के लिए टाइम की स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, चाहे ऑब्जर्वर किसी भी स्पीड से मूव करे। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने मूविंग बॉडी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए, जिसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स कहते हैं। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक की पॉइंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस का कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कोई ऑब्जर्वर किसी इवेंट को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि अगर हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो ग्राउंड ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एरोप्लेन में है तो प्लेन फ्रेम कहलाएगा, और अगर किसी स्पेसक्राफ्ट में है तो वो स्पेसक्राफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, मतलब फ्रेम या तो रेस्ट में है जैसे कि ग्राउंड, या एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है जैसे कि प्लेन जो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो। वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम होते हैं जो किसी एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहे हो। ऐसे फ्रेम की स्पीड टाइम के साथ चेंज होती रहती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पॉस्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है। इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स के लॉज सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई दो पर्सन अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में है तो दोनों के लिए फिजिक्स के लॉज सेम रहेंगे। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फ्रेम ग्राउंड है। अब अगर ग्राउंड पर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है। वहीं दूसरा फ्रेम एरोप्लेन है, प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड पर यूनिफॉर्म मोशन में है। अब अगर बॉल को प्लेन के अंदर गिराया जाए तब वह भी वर्टिकली ही डाउनवर्ड गिरेगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन अर्थ के रिस्पेक्ट में 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। चूंकि दोनों फ्रेम इनर्शियल हैं तो एक फ्रेम में कोई इवेंट जिस तरह होगा दूसरे फ्रेम में उसी तरह से होगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकेंड पॉस्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट लाइट स्पीड है, जो लाइट की स्पीड को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग वैक्यूम में सभी ऑब्जर्वर के लिए इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड सेम ही होती है, 300,000 किलोमीटर पर आर। यह पॉस्टुलेट माइंड बॉबलिंग है। इसे समझने के लिए एक ऑब्जर्वर ए लेते हैं जो 0.9C की स्पीड से मूव करते हुए एक फ्लैश लाइट ऑन करता है। दूसरा ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्वर ए की डायरेक्शन में 0.8C की स्पीड से अप्रोच कर रहा है, और एक तीसरा ऑब्जर्वर भी है जो रेस्ट में है। ये तीनों फ्लैश लाइट से एमिट हो रही लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जर्वर की स्पीड रिलेटिव होती है। ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड 0.1C होनी चाहिए, ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड 2.7C होनी चाहिए, और ऑब्जर्वर सी के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड 1.9C होनी चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन कुछ और होगा। चूंकि तीनों ही फ्रेम इनर्शियल हैं इसलिए तीनों ऑब्जर्वर लाइट की सेम स्पीड ही मेजर करेंगे, 300,000 किलोमीटर पर आर। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लो स्पीड पर नेग्लेजिबल रिजल्ट्स देती है, जबकि हाई स्पीड पर इसके रिजल्ट्स सर चकरा देते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हाई स्पीड्स पर ऐसे ऐसे रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करती है जिन्हें डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि टाइम का स्लो हो जाना, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन होना, एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस होना, और मोस्ट फेमस ट्विंस पैराडॉक्स। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस सीरीज में हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे।